बीच एक बड़ी खबर से आपको अपडेट किए चलते हैं। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है। रायपुर में एसीबी की टीम ने की है बड़ी कार्रवाई। रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ी गई महिला टीआई। रायपुर महिला थाने में पदस्थ है महिला टीआई वेदमती दरियो। दहेज प्रताड़ना के मामले में अपराध दर्ज करने की मांगी थी रिश्वत। 20,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ी गई है महिला टीआई। 35,000 में हुआ था सौदा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। रिश्वत लेते रंगे हाथों महिला टीआई को एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। केस दर्ज करने के एवज में 35,000 रुपए में सौदा तय हुआ था। 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। तो राजधानी रायपुर से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन फोन लाइन पर मौजूद है। मोहम्मद हसन, क्या है ये पूरा मामला? थाने में तो देखा जाता है अक्सर भ्रष्टाचार के मामले आते हैं, लेकिन इस तरीके से लगातार जो कार्रवाई हो रही है ये अपने आप में आम लोगों के लिए राहत की खबर है। जहां राजधानी रायपुर में लगातार अपराध के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लोग बढ़ते अपराध से परेशान है, तो वहीं अब न्याय मिलने के लिए भी लोगों को रिश्वत जो है वो देना पड़ रहा है। पुलिस वाले जो है वो रिश्वत मांग रहे हैं और कहीं ना कहीं ये मामला जो है ये पुलिसिंग की पोल खोलते हुए नजर आ रहा है। जहाँ पर एक महिला जो है वो अपने पति की प्रताड़ना से काफी ज्यादा जो है वो प्रताड़ित थी, जिसके बाद उसने महिला थाने में इसकी शिकायत की थी, लेकिन महिला थाना द्वारा कार्रवाई ना करते हुए बल्कि उस टीआई के द्वारा जो महिला थाने में पदस्थ टीआई है उन्होंने 50,000 रुपए की रिश्वत जो है वो मांगी। टीआई का नाम मैं आपको बता दूं, वेदवती दरियो नाम है। टीआई ने जो प्रताड़ित महिला उनसे कहा कि 50,000 रुपए जब वे देंगी तभी वे जो है उसके पति के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगी। वहीं महिला जो है वो आज सुबह करीब 30,000 रुपए लेकर के जो है वो थाना प्रभारी के पास पहुंची हुई थी, लेकिन थाना प्रभारी ने कहा कि 20,000 रुपए कम है और ये कह करके उसे थाने से जो है वो भगा दिया था। बाद में आज शाम जब वापस महिला थाना प्रभारी से मिलने गई तो इसी दौरान एसीबी की टीम भी जो है वो साथ में मौजूद थी और रंगे हाथों महिला थाने की जो टीआई है वेदवती दरी उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया और आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। बिल्कुल, आगे की अब कार्रवाई जारी है और इससे सबक लेंगे बाकी वो लोग जो रिश्वत के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि एबीसीबी की टीम ने एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, महिला टीआई को गिरफ्तार किया है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसन तमाम जानकारी के।